12 साल में एक बार होने वाले प्राणहिता पुष्कर का आज भव्य शुभारंभ एक ओर महाराष्ट्र के सिरुंचा में तो दूसरी ओर तेलंगाना के नदी किनारों पर किया गया। सिरुंचा के नदी किनारे एक ओर जहां गढ़चिरौली के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने प्राणहिता पुष्कर का शुभारंभ किया तो वहीं दूसरी ओर तेलंगाना के अर्जुन गुट्टा में धर्मस्व मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्राणहिता पुष्कर का शुभारंभ सिरोंचा में करते हुए मंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि इस पुष्कर में आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। उधर तेलंगाना के अर्जुन गुट्टा में कार्यक्रम का शुभारंभ करने आए धर्मस्व मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना सरकार ने भी सभी इंतजाम किए हैं। वहीं इस कार्यक्रम में सरकार के मुख्य सचेतक बालका सुमन ने भी भाग लिया। प्राणहिता पुष्कर के शुभारंभ के पहले ही दिन भक्तों की भारी भीड़ देखी गई है। प्राणहिता नदी के सभी किनारों पर भक्तगण स्नान के लिए उमड़ पड़े। आइए अब हम जानते हैं प्राणहिता पुष्कर की विशेषताएं क्या है। 12 साल में एक बार होने वाला पुष्कर स्नान इस बार 13 अप्रैल से शुरू हुआ है जो 24 अप्रैल तक चलेगा। ऐसे में चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्राणहिता नदी की, जिसे गोदावरी की सहायक नदी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमाओं में बहने वाली प्राणहिता नदी की शुरुआत सतपुड़ा और अजंता पर्वत श्रृंखलाओं से होकर महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में वर्धा नदी और वैनगंगा नदी संगम से ही आगे जाकर ये प्राणहिता का रूप लेती है। एक ओर गढ़चिरौली के सिरुंचा तो दूसरी ओर तेलंगाना के जयशंकर भोपालपल्ली जिले के तुमिड़ीहट्टी वेमनपल्ली और अर्जुन गुट्टा में बहने वाली इस नदी के कुंभ स्नान में भाग लेने के लिए तेलंगाना और महाराष्ट्र ही नहीं पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों से भी लाखों भक्तों की भीड़ लगती है। एक ओर तेलंगाना सरकार तो दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी प्राणहिता पुष्कर के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि यहां आने वाले भक्तगणों को किसी भी तरह की असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। एक ओर गढ़चिरौली जिले के सिरोंचा घाट और नगरम घाट पर विशेष इंतजाम किए गए हैं तो दूसरी ओर तेलंगाना के अर्जुन गुट्टा तुम्बिड़ीहट्टी वेमनपल्ली में भी विशेष इंतजाम सरकार की ओर से किए गए हैं। प्राणहिता नदी के किनारे प्राकृतिक सुंदरता से लबरेज है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। वहीं बात की जाए कुंभ स्नान की विशेषताओं की तो यह शुरुआत तब होती है जब बृहस्पति देवता मीन राशि में प्रवेश करते हैं और इस समय नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ लाखों लोग इस पुष्कर का आनंद लेते हैं। प्राणहिता नदी का एक किनारा सिरुंचा में तो दूसरी तरफ तेलंगाना का कालेश्वरम का निकटतम किनारा अर्जुन गुट्टा है। यहाँ भी भक्तगण स्नान करते हैं तो वहीं कालेश्वरम वह स्थान है जहाँ प्राणहिता गोदावरी के साथ गुप्त रूप में सरस्वती नदी का संगम भी होता है जिससे यहाँ भी श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। यही कालेश्वरम को दक्षिण काशी भी कहा जाता है जहाँ एक ही पीठ पर दो शिवलिंग है जिसकी पौराणिक विशेषताएं हैं। इन सारी विशेषताओं के चलते प्राणहिता पुष्कर स्नान के लिए भक्तों की भीड़ जुट जाती है। इस पुष्कर पर्व के दौरान प्राणहिता नदी में स्नान करने के साथ साथ पूर्वजों की पूजा, आध्यात्मिक प्रवचन, भक्ति संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। प्राणहिता नदी में स्नान करने के बाद श्रद्धालु नदी के किनारे पर स्थित विट्ठलेश्वर भगवान के दर्शन भी करते हैं। गोदावरी नदी की उपनदी कहलाने वाली प्राणहिता नदी के इस पुष्कर पर्व के लिए सिर्फ तेलंगाना ही नहीं विदर्भ छत्तीसगढ़ व अन्य क्षेत्रों से भी श्रद्धालु यहां आते हैं और प्राणहिता नदी के महाराष्ट्र और तेलंगाना के सभी किनारों पर और घाटों पर स्नान करते हैं। 12 साल पहले जब पुष्कर पर्व यहां हुआ था उस समय इन तीनों नदियों पर पुल ना रहने से श्रद्धालुओं को नाव के जरिए पहुंचना पड़ता था लेकिन अब तीनों पड़ोसी राज्यों को जोड़ते हुए प्राणहिता गोदावरी और इंद्रावती नदी पर पुल बनने से अब श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में हो सकती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक ओर तेलंगाना सरकार तो दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं।